नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 16 फरीदाबाद, और हमारे साथ हैं एनएसयूआई के बड़े छात्र नेता हैं कृष्णात्री जी। बात करेंगे उनसे, बड़ा मुद्दा है। आम तौर पर सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को शुरू करने में कोताही बरती जा रही है, लेकिन वही कोर्स प्राइवेट कॉलेजों में लगातार शुरू किए जा रहे हैं। जी कृष्ण जी, क्या है मामला, थोड़ा सा समझा दें। देखिए मामला ये है, अभी 1 जून को डीएचसी की तरफ से एक पत्र प्राप्त होता है, उसके माध्यम से पता चलता है कि 5-6 कोर्स तो हमारे कॉलेज में, बाकी अन्य कॉलेजों में भी कुछ कोर्स शुरू हुए हैं। और अच्छा, उसके लिए मैं एक और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एनएसयूआई ने उन कोर्सों को शुरू करवाने के लिए बहुत प्रयास करे थे। पिछले साल भी डीएचसी के डायरेक्टर के असिस्टेंट यहाँ पर आए थे, विधायक राजेश नागर जी को, और भी कई जगह हमने उसको चीज़ों को लेकर के ज्ञापन सौंपे थे, लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसके नतीजा ये हुआ कि ये कोर्स आए यहाँ पर। लेकिन मुझे दुख, जब ये पीजी क्लासेस के जब फॉर्म भरने स्टार्ट हुए तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि एमसीए के फॉर्म हमारे कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। और वही चीज़ मैंने देखी कि वही चीज़ एक जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, जो अर्ध सरकारी कॉलेज में आता है, अग्रवाल कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें आता है, उसके अंदर इसी वर्ष एमसीए स्टार्ट हुई है। अब मेरा सवाल ये है कि एक ही यूनिवर्सिटी से 2 कॉलेज हैं और दोनों कॉलेजों में इसी वर्ष नए कोर्स ऐड होते हैं। सरकारी कॉलेज वाले तो कह देते हैं कि जी हमारी जैसे कॉलेज में अंदर बात हुई है तो वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से, हमारे पास में AICTE की तरफ से अप्रूवल नहीं है। अग्रवाल कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, उसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो मेरा सवाल ये बनता है यहाँ पर कि भैया एक ही यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेज हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों के लिए तो अलग नियम है, सरकारी कॉलेज के लिए अलग नियम है, जबकि सरकार को, सरकारी तंत्र को ये चाहिए कि अगर उन्हें कोई चीज कहीं पे भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना है तो सरकारी कॉलेजों के प्रति ज्यादा रखे, सरकारी विभाग सरकारी की तरफ रखेगा ना कि प्राइवेट की तरफ रखे। अब आप देख रहे हो कि ये तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा है। इससे पहले भी एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, इससे पहले भी एक बार देखा गया था, पिछले साल की बात है, कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों में सीट बढ़ाई थी, सरकारी कॉलेजों में सीट ही नहीं बढ़ाई। तो किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का प्रयोग, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को ये लागू करना चाह रहे हैं, ये समझ से बाहर है। कॉलेज में कितने पढ़े? करीब 6,500 बच्चे हैं, अभी कुछ और कोर्स नए बढ़े हैं तो 7,000 के आसपास पहुंचे। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सरकारी कॉलेज हैं, ये सरकारी कॉलेज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनकी एकमात्र आशा है, क्योंकि जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बढ़ती चली जा रही है, जितनी बड़ी तादाद में वहाँ फीस ली जाती है उसके मुकाबले यहाँ फीस बहुत कम होती है और स्टूडेंट परिवारों पर बहुत बोझ नहीं बनते और वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, यही बात ना। सरकारी कॉलेजों की तरफ जो हमारे गरीब किसान मजदूर परिवारों के, जो मध्यम परिवारों के बच्चे हैं, जो भारी भरकम फीस का निर्वहन नहीं कर सकते, उसका खर्च नहीं उठा सकते, जिनके परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि सरकारी कॉलेजों की, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं सब लोगों को, कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर सरकारी कॉलेजों की फीस नहीं भरी जाती, जिन लोगों के पास में सरकारी फीस मवश्चर नहीं होती, तो ऐसे में वो प्राइवेट कॉलेजों में जाकर के कहाँ पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे समय में वो देखते हैं कि भाई जैसे ही बच्चों को पता चला कि हमारे कॉलेज में एमसी आ चुकी है, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से इतने सारे बच्चों की मतलब थैंकफुल भरे मैसेज आए कि जी आपने ये वाला काम करा दिया, नहीं तो हम बीसीए करके पता ना कहां की इधर उधर की ठोकरें खाते। लेकिन जब, जिस दिन मुझे पता चला कि जी एमसीए का हमारे कॉलेज का फॉर्म ही अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत सरासर नाइंसाफी हमारे साथ में। दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि जी AICTE की तरफ से हमें अप्रूवल नहीं मिला है। AICTE का है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई BCA और MCA, BCA भी उसी लाइन का, उसी फील्ड का कोर्स है और MCA भी उसी का। जब BCA करोगे तभी MCA करोगे, तभी MCA करोगे आप। तो BCA कुछ कॉलेजों में आई है, वहां पर तो अब हमारे GC नचौली है, गवर्नमेंट कॉलेज नचौली है, गर्ल्स के लिए खुला हुआ है वो कॉलेज, अभी कुछ दिन पहले खुला, वहां पर एडमिशन हो रहे हैं BCA में। तो क्या उन्हें AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी? क्या अग्रवाल कॉलेज को AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज को अप्रूवल की जरूरत पड़ी, क्या इनको जरूरत नहीं है? कॉलेजों ने ले लिया होगा। अब मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि इसमें लापरवाही है तो किसकी है? कौन है जो इन गरीब किसान मजदूर परिवार के बच्चों का हक छीनना चाहता है? कौन है जो इन बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहता है? कौन सी ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है जिसे, अच्छा दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक और बात यह है कि कॉलेज की तरफ से इन कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी में फीस भी जमा हो चुकी है कई लाख रुपए। कॉलेज की तरफ से जब भी कभी कोई नया कोर्स स्टार्ट होता है तो उससे पहले कॉलेज की तरफ से लाखों के रुपए कॉलेज में, उसमें यूनिवर्सिटी में जमा होते हैं, ना तो वो फीस वापस आई अब तक भी, ना वो कोर्स की परमिशन मिली, फिर वो पैसा जा कहां रहा है? नहीं मिलनी चाहिए ना, कोर्स की परमिशन ही मिलनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात, ये कहते हैं कि जी हमारा पोर्टल, दबी आवाज में बोलते हैं कि जी हमारा पोर्टल तो ये वाला फरवरी में खुलेगा, फिर उनके लिए कौन सा पोर्टल था जो खुल गया, उनके लिए कौन सा पोर्टल था? मैं प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ नहीं हूं,
मैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज के जरूर खिलाफ हूं कि आप प्राइवेट को तो दे रहे हो, गवर्नमेंट एडेड को तो दे रहे हो। ये सरकारी कॉलेज वाले बच्चे का यतीम है या इनके क्या कोई खिलाफ, मतलब इनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा क्या? जबकि सरकार को, सरकारी तंत्र को, मंत्रियों को, विधायकों को, कॉलेज प्रशासन को यह चाहिए कि जो चीजें गवर्नमेंट कॉलेज को, गवर्नमेंट कॉलेजों को दुनिया फॉलो करती आई है, एमडी यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हमारी। समझता हूँ इस समय शहर को चलाने वाले जो नेता हैं वो इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, सांसद ले लो, विधायक ले लो, मंत्री ले लो, सारे के सारे यहीं से पढ़े हुए हैं जी। हो कृष्णपाल जी, इस मामले के बाद में, अच्छा मैंने ये मामला कई सारे लोगों की नॉलेज में डाला है क्योंकि मेरा ये प्रयास है कि किसी भी तरीके से इसी वर्ष से ये कोर्स शुरू हो जाए। मुझे एक बात और पता चली कि अगर इस वर्ष इस कॉलेज की जो हमने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, अगर इस वर्ष इस कोर्स की एफिलिएशन स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा नेक्स्ट ईयर में दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी, तो उन लाखों रुपए का जो नुकसान होगा इस सरकारी तंत्र को, ये नहीं वापस नहीं होता। मैंने ये बार ये सारी बातें मुझे कोई और नहीं बता रहा, ये सारी बातें मैंने जो देखी है, मैंने जो पढ़ी है, इन चीजों का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक जगह पे एक कॉलेज में, उस कॉलेज का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कॉलेज में बीकॉम थी, बीकॉम उसमें कॉलेज में उन्होंने एफिलिएशन डाला था, एफिलिएशन नहीं हो पाया तो उनकी जो फीस थी वो फीस अगले साल दोबारा से पे करनी पड़ी थी उनको। तो ये सारी चीजें, ये जो नुकसान है, क्या नाम आपका? कुणाल। कुणाल, कुणाल आपको नहीं लगता कि यहाँ एमसीए की कक्षाएं शुरू होनी चाहिए? सर होनी चाहिए, कक्षाएं शुरू होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। और ये जी इसको भी बता दें। और दूसरा, एक अब की बार इन्होंने फिर दोबारा से एक हिमाकत करी है। आज जहां हमारे पूरे प्रदेश में, देश के कुछ राज्यों में जहां बाढ़ के कारण पूरा प्रदेश मतलब ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि लोगों के खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, ऐसे समय में इन्होंने एक नई फीस का फीस बढ़ा करके, ये जो ब्लू पेन से आप देख रहे हैं ये तो पुरानी फीस स्ट्रक्चर है, और जो आप ये नया वाला, ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं ये नया वाला फीस स्ट्रक्चर है। तो हर क्लास में इन्होंने 600-600, 700-700, 1000-1000, 1200-1200 रुपए फीस बढ़ाने का काम किया है। ये किस लिए, ये किस लिए? आखिर सरकार ने हमें दिया क्या है, सरकार ने इसके बदले में किस लिए बढ़ा रहे हैं? दूसरी बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेकेंड ईयर के बच्चे, मेरा एडमिशन सपोज दैट सेकेंड ईयर वाले बच्चे की फीस बढ़ी हुई है, ये मंथली फीस है या सेमेस्टर? ईयरली होती है, ईयरली होती है, यहाँ पे सेमेस्टर की नहीं, ईयरली होती है, ईयर वाइज होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। अगर जिस बच्चे का एडमिशन पिछले साल, जिस बच्चे का एडमिशन 4480 रुपए में हुआ था, उसका फर्स्ट ईयर में अब 5150 रुपए में हो रहा है, लेकिन जिस बच्चे का 4480 में हुआ है वो एज पर रूल के हिसाब से वो 2330 देने का हकदार है, लेकिन इन्होंने उससे 2900 रुपए भरवा रहे हैं। कोई नियम अगर लागू करना है सेकंड ईयर में वो तो फर्स्ट ईयर से लागू करो ना, आज से लागू होगा ना। अगर कोई कोर्स कॉलेज में स्टार्ट हुआ है तो पिछले साल से तो नहीं हुआ, इसी साल से शुरू हुआ है ना। जैसे हमारे कॉलेज में अभी हिंदी ऑनर्स आई है तो फीस उन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर की डाल रखी है ना, सेकंड ईयर की तो नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि वो कोर्स अभी पढ़ाई नहीं, अभी तक उसके बच्चे पहुंचे नहीं वहां तक। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये कर दिया है कि फर्स्ट ईयर की तो फीस बढ़ाई बढ़ाई है, दोबारा सेकंड ईयर की भी फीस बढ़ाई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के दिमाग में, जहन में कोई ये बात आ चुकी है कि सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों का कोई हिम्मत और हिमायती नहीं रहा है, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। पहले भी एक बार फीस बढ़ाने की हिम्मत करी थी पूरे कॉलेज में, एनएसयूआई फरीदाबाद के कारण, बड़े गर्व के साथ कहता हूं मैं इस बात को, एनएसयूआई फरीदाबाद के कारण पूरे प्रदेश की बढ़ी हुई फीस वापस इशू दी, चेक बटे हैं सारे कॉलेजों में। एक बार दोबारा हम इस सरकार को वापस चेताने का काम करेंगे और इस फीस को भी बढ़वाएंगे, और जो एक कोर्स इन्होंने, जो हमारे कॉलेज में कोर्स नहीं बन आया है, इस कोर्स को दोबारा से इसी वर्ष चालू करवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ी हो, धरना करना पड़ी हो, प्रदर्शन करना पड़ी हो, मंत्रियों को घेराव करने पड़ी हो। क्योंकि ये लापरवाही किस लिए है? जब आप प्राइवेट कॉलेज को चीज मिल गई, सरकारी कॉलेज को क्यों नहीं वो चीज? रूल तो सबके लिए बराबर है, कोई अलग से नियम आया है क्या कि कक्षाएं गवर्नमेंट कॉलेज में शुरू हो, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, नेहरू कॉलेज फरीदाबाद में शुरू हो, इसके लिए लगातार यहाँ युवा जो हैं आक्रोशित हैं। और अभी आपने सुना कृष्ण अत्री को, आपने सुना, और वो दावे के साथ कह रहे हैं कि शुरू करवा कर मानेंगे चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।